ये पूरी घटना हमारे लिए सबसे बड़ी दुख की घटना है और इससे बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती। जो इंसान सभी समाजों के लिए लड़ता हो, किसी भी के भाई या बहन का किसी का कांटा भी चुभा तो वो सबसे पहले खड़े हुए हैं, और ऐसे आदमी के साथ में ऐसी घटना होना बहुत दुखद घटना है। इसके बारे में ऐसे कोई शब्द नहीं है हमारे पास, लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात हमारी ये है कि हजार बार सिक्योरिटी मांग के बावजूद भी प्रशासन ने सिक्योरिटी उपलब्ध नहीं करवाई, उल्टा आचार संहिता का नाम देके वेपन रखवा लिए, वेपन जमा करवा लिए। तो कहीं न कहीं इसमें राजनीतिक लिप्तता भी है, लेकिन हम ये चाहते हैं सबसे पहले कि जो भी अधिकारियों ने गलती की है, लापरवाही की है, जिन उनसे सुरक्षा मांगी गई, उन जिम्मेदार लोगों को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए। और कल जो संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है कि भाई पूरा जयपुर शांतिपूर्वक तरीके से बंद रखेंगे, और मैं तो ये कहता हूँ कि जयपुर भी बंद रहेगा और अभी तो पूरा राजस्थान और पूरा भारतवर्ष रहेंगे, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में सुखदेव जी के चाहने वाले हैं, परिषद संघ है, और उन्होंने इतना बड़ा संगठन खड़ा किया है, कहीं न कहीं हर लोगों के वो कहीं न कहीं दर्द में हमेशा खड़े रहते थे। बड़ी साजिश नजर आ रही है इसके पीछे, क्योंकि उनके दो लोगों का जाना, बैठना, नाश्ता करना, 10 मिनट उसके बाद इस तरह से गोली चला रहा। इससे बड़ी साजिश क्या हो सकती है कि भाई घर में जाके चाय पी के प्रणाम करके फिर गोली मारी गई। तो ये पूरा साजिश का हिस्सा ही है। अगर साजिश नहीं होती तो उनको सुरक्षा देते।